हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन एग्ज़ाम के लिए आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, ठीक है? तो ये एक आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट है, माइनर का एक सब्जेक्ट है। वैसे तो ये एनसी वेब में नहीं होता, सोल और रेगुलर के लिए वीडियो है, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, प्लस एग्जाम पैटर्न भी कैसा आपका पेपर आता है। इन दोनों को तैयार कर लेना और आपका काम हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होगी। पहले हिंदी मीडियम डिस्कस करूंगा, ये वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। तो सिलेबस की बात करें, इसमें टोटल 3 यूनिट है और हर यूनिट में आपको 4-4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तीसरी यूनिट में 5 है, ठीक है? तो पहली यूनिट में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप देख सकते हो, ये 2, 3, 4, ये चारों इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है? अब इन्हीं चैप्टरों में से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने वाला हूँ, नोट कर लेना। और बाकी इनमें से जो इम्पोर्टेंट रहेगा, श्री अरबिंदो रहेगा, जॉन डीवी रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है? तो ये मोस्टली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा डिस्कस करते हैं आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं इस वाले सब्जेक्ट में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहला आपका इसमें चैप्टर है, पार्ट 1, शिक्षा अर्थ उद्देश्य तथा प्रक्रिया, ठीक है? तो इसके जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, पूरी बुक नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, इस चैप्टर से कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे। पहला बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले, फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर पाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? और आपका भी क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? अब देखिए, जो 3 वाला क्वेश्चन है इसको आप अपने आप बना के लिख सकते हो, ठीक है? अगर आप पूछा भी जाता है, नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है बना के लिख देना। बाकी पहला, दूसरा और 5वां, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 से, आपके चैप्टर 1 से। दूसरा चैप्टर है आपका, चैप्टर 2 है आपका यूनिट 1 का, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण परीक्षण अधिगम मतारोपण स्कूलिंग शिक्षा, ठीक है? जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट कर। तो इस चैप्टर यानी क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 यानी लेसन नंबर 2 से जो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, 1, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप बना के लिख सकते हो, ठीक है? ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपका चैप्टर 3 वो देख ले। तो फिर आपका चैप्टर 3 है यानी पार्ट 3 है, शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार, ज्ञान विश्वास जांच तर्क। तो जरा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, जितने भी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, लेसन नंबर 3 से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसमें रहेंगे आपका ये वाला, ये ज्ञान मीमांसा की अवधारणा क्या है, ये वाला आपका करके जाना, ठीक है? तो ये करके जाना, ठीक है? बस फिर नेक्स्ट है आपका, तो ये है लेसन नंबर 4, शिक्षा का नैतिक आधार, ये आपका चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, ठीक है? और ये जो दूसरा वाला है ना, ये पहले वाले से रिलेट करता है, जब आप इसका महत्व पढ़ लोगे तो उसकी प्रकृति भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, आपका चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? 1, 3 और 4 ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर आपका इकाई 2 शुरू हो जाता है यानी यूनिट 2, इसमें आपके 4 चैप्टर है, समाजीकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक मूल्य एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज में संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य और निर्माण, ठीक है? जरा इसके नोट कर लीजिए। तो यूनिट 2 का पार्ट चैप्टर 1 नंबर 1 समाजीकरण और शिक्षा, तो जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो देखिए, इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किसी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समाजीकरण की क्या भूमिका होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का करके जाना। फिर नेक्स्ट है इसमें, विद्यालय किसी बालक के सामाजिक विकास के किस प्रकार योगदान देता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 मीडिया वाला, ये जरूर आता है, दूसरा तीसरा चौथा, इन तीनों में से एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 है संस्कृति और शिक्षा, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर से, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति और शिक्षा के पारस्परिक संबंध में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए, दोनों में क्या संबंध है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इनसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्या विद्यालय की संस्कृति के संदर्भ में किसी प्रकार की भूमिका है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बस ये कर लेना। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 3 यूनिट 2 का, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कैसा पेपर इस साल आया था, क्योंकि आप पहली बार नहीं दे रहे, आप दूसरी बार दोगे इसे, पहली बार दे चुके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट, जरा मैं दिखाऊंगा आपको पेपर, पूरा वीडियो देखिए पहले। पार्ट 3 का है संवैधानिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए यूनिट 3 के। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा संविधान का शिक्षा से क्या संबंध है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए जरा। फिर नेक्स्ट चैप्टर 4, एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार क्या रहने वाले, इसके जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए चैप्टर से, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर 4 से, ठीक है, इसे नोट कर लेना, बस यही रहेगा शिक्षा के उद्देश्य निर्माण के विभिन्न आधारों को व्याख्या करें, बस ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर आपकी यूनिट 3, यानी इसमें कुछ थ्योरीज आ जाती है आपकी, जैसे श्री अरबिंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, जो जैकस रूसो, पाउलो फेरे, देखिए इन्होंने ना अपनी थ्योरी दी है शिक्षा के ऊपर, ठीक है, तो आप इनको करके जाना है, जरा इसमें टिक कर दूँ, इसमें तो मेन मेन सीधा पूछता है, इसमें मैं दिखा देता हूँ कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला रहेगा श्री अरबिंदो, ये आपका चैप्टर है, ठीक है, श्री अरबिंद ने काफ़ी चीज़ें शिक्षा के ऊपर बोली है, जरा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें अरबिंदो के बारे में पूछा है, तो यानी अरबिंदो के विचार इसमें पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि अरबिंदो के शैक्षिक दर्शन का वर्णन करें, उन्होंने जो शैक्षिक दर्शन दिया उसका क्या वर्णन है, ठीक है। इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका अरबिंदो के सामान्य दर्शन को व्याख्या करें। अब देखिए इसमें दो दर्शन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है शैक्षिक यानी उनका शिक्षा का दर्शन क्या है, एक सामान्य दर्शन, दोनों अलग है, पढ़ के जाना 19-20 का फर्क है, एक पढ़ लोगे दूसरा अपने आप बना लोगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है शिक्षा में अरबिंदो का योगदान की चर्चा कीजिए, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 करके जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, इसको भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, अरविंद की शिक्षा और दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, जब आप शिक्षा पढ़ के जाओगे तो उसकी विशेषता भी पढ़ोगे, मैं यही आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको अरविंदो का शैक्षिक दर्शन करके जाना है, जब कर लोगे उसकी विशेषता पढ़ लोगे, उसकी प्रकृति पढ़ लोगे, ठीक है, उसका योगदान पढ़ लोगे, सब आपका आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, छठा, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये पार्ट 2 का है, ठीक है, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें सब एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा पर जे कृष्णमूर्ति के विचार पर प्रकाश डाले, बस ये रहेगा इस पार्ट से, रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, बस और कुछ ना करना। मैं नेक्स्ट चैप्टर 3 जॉन डेवी, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर इसका कैसा आता वो भी देख लेना आप, देख लीजिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा टिक कीजिए। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डीवी का आदर्श विद्यालय, बस ये करके जाना बस, ठीक है, चैप्टर 3 से तीसरा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, बना के कर सकते हो, 2 से तीसरा रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो जैकस रूसो, इसके क्वेश्चन जैसे नहीं आते, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको इतने क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता 5 करके जाओ, मैं चाहता हूं सारे करके जाओ, क्योंकि आप ये जब भी पेपर में बैठोगे आप ये तो कह सकते हो मुझे सारे आते, ठीक है, ऐसा ना हो आपको 4 आते हो करने आपको 5 है तो एक को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सारे टिक करवा रहा हूँ। फिर आपका है चैप्टर नंबर 4 जियो जेके रूसो, इस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 रहेंगे, एक रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, या चैप्टर से क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 से क्वेश्चन नंबर ओ आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर ये महिलाओं वाला पूछेगा, अगर पूछ जाए तो महिलाओं पर क्या है,
तो महिलाओं को इन्होंने कहा समानता देने की बात की गई है, आप अपने मन से लिख सकते हो। बाकी ये दो इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हर साल में से एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को भी टिक करवाऊंगा, देन उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न चले। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, पहले तो पढ़ लीजिए, फोलो फ्रेर का विवेक ज्ञान की धारणा, बस ये तो आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि इसका ज्ञान है तो उसका तो ज्ञान लेना ही लेना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर टू इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन नंबर सेवन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहला चौथा छठा सातवां बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, एक दो तो दिख ही जाता है कभी ना कभी, आप देख लेना। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले के हो गए। अब जरा इंग्लिश मीडियम वाले आप भी नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम पैटर्न डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, ये है इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, ये आपका पूरा सिलेबस है, आप नोट कर सकते हो। वैसे मैं टिक करवा चुका हूँ, आप टिक कर लीजिए चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर एजुकेशन मीनिंग एंड एम्स एंड प्रोसेस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है आपका लेसन टू, इसके जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। तो इस चैप्टर से आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका लेसन थ्री यूनिट वन का, जरा देख लेते इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, कर लेना। फिर नेक्स्ट है लेसन फोर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा चैप्टर फोर से यूनिट वन के। फिर नेक्स्ट, फिर आपका यूनिट टू शुरू हो जाता है। इन चार चैप्टर में से जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चैप्टर वन जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। यूनिट टू का लेसन वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें रहेगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। फिर नेक्स्ट है लेसन टू का कल्चर एंड एजुकेशन, इसका जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर आपका लेसन थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इक्वलिटी फ्रीडम जस्टिस सेक्युलरिज्म ह्यूमन राइट्स, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चैप्टर लेसन फोर के जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, फोर का फोर। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट थ्री, यूनिट थ्री का इसमें पांच लेसन आपको देखने को मिलेंगे, श्री अरबिंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डेवे, जैन जैकिस रूसो और पोलो फेरेरे। ठीक है, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। लेसन वन श्री अरबिंदो, इस चैप्टर के जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यूनिट थ्री के लेसन वन में इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लेसन टू जिद्दू कृष्णमूर्ति, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। तो लेसन थ्री से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो जरा नोट कर लीजिए। इसमें रहेगा आपका लेसन थ्री से क्वेश्चन नंबर टू इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन लेसन टू है, ये इसका इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, ये मत करना, लेसन टू है ये, मैं ध्यान भूल गया, तो कोई नहीं। नेक्स्ट है लेसन थ्री जॉन डेवी, जरा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका चैप्टर थ्री से, इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, बस यही आप करके जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लेसन फोर रूसो के ऊपर, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, और अगर वोमेंस के ऊपर आता बना के लिख देना। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है लेसन फाइव जो कि लास्ट है, फिर इसके बाद एग्जाम पैटर्न। लेसन फाइव फ्लोरोफेरेर, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये नोट। अब जरा पेपर दिखाता हूँ, पेपर इसका कैसा आता है। तो दोनों मीडियम के लिए पेपर रहेगा। तो देखिए, ये जो पेपर है ये इसी साल का पेपर है, 2023 का, देखिए, ठीक है। और एनपी का पेपर है, 75 मार्क्स का आपका पेपर शो करेगा, बट 90 नंबर का आपका पेपर होगा, लिखा रहेगा 75, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का। तो टोटल जो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इसमें, हिंदी और इंग्लिश किसी भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपका मीडियम कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है, यानी 10 दे रखे होंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं। देखिए, वही क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको करवाया, भारतीय समाज में शिक्षा के आधार के रूप और विवेक और अनुसंधान के पर महत्व डालिए, ये इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए। देखिए किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, समाजीकरण के कारक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला भी आ गया, मैंने जो अभी टिक करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2। थीम इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम के ऊपर है, दिखाता हूँ। शिक्षा के लक्ष्यों के आधार पर होने वाले स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट में था, नोट कर लीजिए। देखिए 3 तो एंड टू एंड आ गए। चौथा है आपका, फ्लोरोफेल की शिक्षा पर दिए विचार, देखिए आ गया ना, मैं क्या करूँ, उनका शिक्षा के ऊपर पढ़ लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, वही आपसे पूछेगा। पांचवा है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है, इस कथन पर चर्चा करें। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछा है उन्होंने, ये बुक में से नहीं है, ये आपसे पूछा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है। अब आप इसको कैसे डेफिनेट करोगे आप बताइए, ठीक है, ये आपसे पूछा है उसने, टर्क देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने जीवन से उदाहरण लेते हुए शिक्षा और स्कूलिंग में अंतर करें। अब देखिए, अपने जीवन, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको इन्हें बना के लिखना है। आप जो भी बना के लिखोगे ना, आपको नंबर मिलेंगे। एजुकेशन की खास बात यह कि एजुकेटेड आप भी हो, आप भी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, तो ये आपसे रिलेट करता है पेपर, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संबंध में रूसो के परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण से करें। देखिए रूसो वाला आ गया, शिक्षा और बच्चे की प्रकृति वाला, नोट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को चुनौती देती है, उदाहरण की मदद से चर्चा करें, ये भी आपसे पूछा है उसने, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो वही रिपीटेड है। तो ये था आपका पेपर, इस तरीके से पेपर आएगा, आपका एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।